में बता सकते हैं और ये अंदर इजाफा हो सकता है। जितों तक मस्जिद की अहमियत का तालक है, यह अंदाजा इस बात का लगा लो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त हिजरत करके मदीने शरीफ गए, आपने सब तो पहले जो काम किया वो मस्जिद नबी की बुनियाद आप देने। एक तो महाजरा की महाजरीन की आबादकारी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिलसिला शुरू किया और वो सब तो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा वो काम किया कि मस्जिद की बुनियाद रखी कि इस बिना के उत्ते कि मस्जिद ही एक ऐसी चीज है, मस्जिद ही एक ऐसा मुकाम है कि जेड़े साडे अंदर इत्तेफाक ते इत्तेहाद पैदा कर सके। मस्जिद ही एक ऐसी वो जगह कि जेदे अंदर साडे कम्यूनिटी दियां जितनिया भी सरगर्मियां ने वो मस्जिद के अंदर ही होंदियां। और बल्कि हकीकत इसी थोड़ा जा गौर जरा करिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जितनी एक्टिविटीज सन, जो काम सन, वो सारे के सारे मस्जिद में ही होंगे सन। दूसरे अल्फाज के अंदर असं आख सकते हैं कि पार्लीमेंट हाउस का काम भी वह मस्जिद देती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपने उत्थे बह के कोई मीटिंग करनी, कोई चीज भी करनी, मस्जिद नबी के अंदर। फिर इस तो इलावा जी एचपी का काम भी मस्जिद देती थी, जो आपने प्लान बनाने, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनसूबे बनाने, फला इलाके के अंदर जंग करनी, फला मुकाम पर कैसा हमला करना, उसकी प्लानिंग भी मस्जिद के अंदर ही होती। दूसरे अल्फाज के अंदर जी एचपी का काम भी मस्जिद को लिया जाता। और तीसरा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसले करते, आपके पास जो मुकदमात आते, सल्लम मस्जिद नबी के अंदर ही बैठ कर फैसले करते, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का काम भी वह मस्जिद को लिया जाता। हत्या के इतों तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कैदी, कोई इस तरह बड़े बड़े कैदियों के आने, उन्होंने मस्जिद के थंब के नाल लिया के बंधे। समामा बिन साल बहुत बड़ा एक लीडर, बहुत बड़ा एक चौधरी आया, आदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद के सुतून के नाल बंधे। उस सहाबा इकराम ने बांध दिता। आदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पूछा क्या बहालत है यार समामा, वो समामा तेरा की हाल है? वो चौधरी टाइप थी, लीडर टाइप थी, बड़े गुस्से के नाल अंदर इन कोनी को मिला शाकिरीन मैं तब तक तब तक जा दमिन, अगर एहसान करोगे तो एहसान फरामोश नहीं, अगर तुम मैं कदर करोगे तो मेरी कौम इतनी ताकत वाले थोड़े को बदला ले। तीन दिन आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह कड़वा जहा बोले। हां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे दिन आए, आप फरमाते ने क्या तेरे को समामा इन छोड़ दो, जाओ इन जड़े दी बेड़ियां उतार दो। जिस वक्त थोड़ी दूर बाहर गया, आखन लगा अगर ये दुनिया की तरह ये बादशाह हुंदा तो यकीन अज मैनू इन्हें कतल कर देना।